मानदेय बढ़ाने को लेकर झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ की बैनर तले दिव्यांग अनिश्चितकालीन धरने पर बहस। रांची में राजभवन के समक्ष धरना दे रहे दिव्यांग सरकार से खासा नाराज है। उनका कहना है कि सरकार बिजली में सब्सिडी के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद ने दिव्यांगों से मुलाकात की और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आखिर सरकार बताइए ऐसा कर दिया हम लोग को। तीन तीन बार मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए, मानिए उनका धर्मपत्नी जी आश्वासन दिया, कहिए मांग पूरा करिएगा। पानी बिजली यहाँ पर साफ सुथरा शौचालय, लेकिन कुछ नहीं दिया जा रहा है। बताइए यहाँ 500 महिला रात में रहती है जल सैया लोग, और वो लोग बेचारी बाहर में कर रही है, कितना दुर्भाग्य वाला बात है। नहीं सुन रही है लगातार, हम लोग बताइए 160 दिन बैठल है, आज एक दिन नहीं ना है जी, अपना काम धंधा छोड़ दिए। इस समाज के लिए हम लोग दिव्यांग का, हम लोग का विकास हो, हम लोग का मुद्दा को सरकार समझे, लेकिन क्या समझ रही है सरकार? सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है, हम लोग को सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रही है। क्या आश्वासन से पेट भरेगा? सरकार बताइए ऐसा कर दिया हम लोग को तीन तीन बार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।